हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्सा ओडिया। आज क्लास को समस्त स्वागत। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहर तृतीय पाठ प्रथम अध्याय तृतीय पाठ भारत में आईन अमान्य आंदोलन और एडिशार भूमिकार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक प्राक्टिस करवा। जो मैंने चैप्टर वीडियो देखिन चैनल प्ले लिस्ट जाकि सर्च करके देखिपार भारत में आईन अमान्य आंदोलन और एडिशार भूमिका चैप्टर टी दुई तीन टा पार्ट्रे आम अपलोड हो। आज आम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन प्राक्टिस करवा यार। तो आम फर्स्ट क्वेश्चन होची केउठारे भारतीय जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन रे साइमन कमिशन को बर्जन करिवा पई स्थिर कर जायथिला। आईन अमान्य आंदोलन आमर हेथिला गांधीजींकर तांको नेतृत्व रे इंग्रज सरकारकर जति की आईन थिला से आईन गुडा को न मानिबा पई बोली निष्पत्ति निया जायथिला। एवं स्पेशली सेटा आरंभ होइथिला आमर साइमन कमिशन रु। साइमन कमिशन को प्रतिवाद करिबा पई साइमन गो बेक रो नारा भी दिया जाए थिला। तो से साइमन कमिशन को बर्जन करिबा पई स्थिर करा जाए थिला। भारतीय जातीय कांग्रेस रो गोटे अधिवेशन बसथिला सेथिले ही निष्पत्ति निया जाए थिला। तो भारतीय जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन रे साइमन कमिशन को बर्जन करिबा पई स्थिर करा जाए थिला केउठारे को जगारे। ऑप्शन्स अछि लखनऊ, लाहौर, मुंबई आउ मद्रास। यार ठीक उत्तर हम मद्रास। मद्रास रे अधिवेशन बसथिला एवं साइमन कमिशन को बर्जन करिबा पई स्थिर करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, साइमन कमिशन भारत क्यों शहर में पहुंची थे। साइमन कमिशन को प्रतिवाद कर कहगला से प्रथमे इंग्लैंड रु आसिकी आम भारत कौ शहर से प्रथम पहुंची थे मद्रास, लखनऊ, मुंबई आउ लाहौर। मुंबई हम यार ठीक उत्तर। मुंबईर बंदर से प्रथम आसिक पहुंची थे। केउठारे साइमन कमिशन प्रतिवाद शोभायात्रा रे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंथ पुलिस लाठीमाड़ शिकार होते। लाहौर, मुंबई, लखनऊ, मद्रास आमर जी प्रतिवाद करा जी आंदोलन होता सबुर गोटे ही से पाखे दमन रास्ता थिला। प्रथमे लाठीमाड़ तापर से लेकिन कारागार बंद करदेव से इंग्रज मानकर से जो कार्यकलाप तार गोटे बहुत बड़ काम थिला कौन लाठीमाड़। तो से जो साइमन कमिशन को प्रतिवाद करने जो शोभायात्रा बाहर थिला जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंथ को लाठीमाड़ होता जे ते भावनी केवल से दिजन को होता सेमती समस्त को लाठीमाड़ होता कितु आगधाड़ी नेता थे जो मैंने कि शोभायात्रा को नेतृत्व नौते शोभायात्रा से नाटा ये मेनसन कर जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंथ को कौटे कर लखनऊ ठारे पुलिस लाठीमाड़ शिकार होगा पड़ी। क्वेश्चन नंबर फोर आम देखा केउठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रार नेतृत्व नेता बेले लाला लाजपत राय पुलिस लाठी प्रहार द्वारा छाती का गंभीर भाव आघात प्राप्त होते। साइमन कमिशन रो विरोध करने जो शोभायात्रा बाहरी से लाला लाजपत राय को बहुत जोर लाठीमाड़ शिकार होगा पड़ी जोटा कि छाती गंभीर भाव प्रकाश आघात देता परवर्त काल से पुलिस लाठीमाड़ जो जो प्रहार होता से प्रहार जो ही देहांत हो जाता सेटा के मद्रास, मुंबई, लखनऊ एवं लाहौर कौठार होता। लाला लाजपत राय को कौठार लाठी प्रहार होता लाहौर ठार। देखो ये देख दीज ना दिखाई जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंथ एम को लखनऊ में होता एवं लाला लाजपत राय को होता लाहौर ठार। ठीक अच्छे मन रखिए ये ना गुड़ाक। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रा रे किए पुलिस लाठीमाड़ शिकार होते। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस। एटा अल्टरनेटिव क्वेश्चन है आमर तीन नंबर क्वेश्चन रहा चार नंबर पांच नंबर हूँ तार अल्टरनेट ही अच्छे देख टे बुझापी चेस्टा कर बहुत इजी देखिए क्वेश्चन आराम से यहाँ अटेंड कर पार ये हूँ जवाहरलाल नेहरू ठीक उत्तर हम। सिक्स नंबर क्वेश्चन हूँ साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रार नेतृत्व नेवा समय पुलिस लाठी प्रहार रे आघात कारण किए 1928 नवंबर 27 रे मृत्युवरण करते चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, लाला लाजपत राय आउ गोविंद वल्लभ पंथ 1928 नवंबर 27 रे कहार मृत्युवरण होता लाला लाजपत राय मृत्युवरण होता पुलिस लाठीमाड़ शिकार होते से लाहौर ठारे से प्रहार जो छाती बहुत जोर आघात होता। सात नंबर क्वेश्चन, केउठारे भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होता
मुंबई, मद्रास, लाहौर एवं लखनऊ। या पूर्व पाने जो आईनमान्य आंदोलन आरंभ होला ता पूर्व आम भारतीय मैंने चाहूँ आमको आमर जो राजनीतिक व्यवस्था रही आम देशर शासन व्यवस्था जो कौजे आम से शासन व्यवस्था आमको किसीटा अंशीदार करने बोली किंतु जितेबले से थरक थर धोखा देवार आरंभ कले से आईनमान्य आंदोलन आंदोलन बल को कांग्रेस अधिवेशन बसला और सेठी गोटे प्रस्ताव गृहित है आमको टिके टिके नुहे आमको संपूर्ण रूपे आम स्वराज दरकार माने आम संपूर्ण रूपे स्वाधीन होने पर चाहूँ बोली से गोटे प्रस्ताव गृहित करते आम पूर्ण स्वराज प्रस्ताव बोली कहटा कौ अधिवेशन बसला क्योंठे बसला मुंबई, मद्रास, लाहौर आउ लखनऊ यार ठीक उत्तर हम लाहौर अधिवेशन मन रख पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करथिबा भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में किए अध्यक्षता करथिले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत एवं सुभाष चंद्र बोस। लाहौर अधिवेशन कहचे से लाहौर अधिवेशन अधिवेशन किए अध्यक्षता करथिले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत एवं सुभाष चंद्र बोस। सीधे जवाहरलाल नेहरू जी कि आम स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे भारतीय जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में क्यों तारीख को भारत प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करने घोषणा कर 1929 डिसेंबर 31, 1930 जनवरी 26, 1930 मार्च 12, 1930 अप्रैल 6। ऑफिशियली आम स्वाधीन होती के 1947 मसीहा अगस्त मस 15 तारीख है किंतु पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होला बेले गोटे डेट फिक्स करा जाई थिला जे आमे सेई दिन को ही आम पूर्ण स्वाधीनता दिवस भाव में आम पालन करूँ जेहेतु आम जिते इंग्रेज मैंने आमको जो उपनिवेश भाव में रखी थे सेतबेले आम अधीन थिलु किंतु जिते आम पूर्ण स्वराज मागुचु आम इंग्रेज मानकर कौन से आईन को मानुना तेल आम पाखे गोटे डेट मिलगला कौ दिन ठार 1930 जनवरी 26 तारीख रु आम स्वाधीन होगलु आम आउ इंग्रेज मानक कौन सी आईन को मानवू ना आम पूरापूरी भाव में निजक स्वाधीन होगलु बोली दिनटा को आम स्वाधीनता दिवस रूप में पालन करने निष्पत्ति जाता। 10 नंबर क्वेश्चन हूँ क्योंठार भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में आईनमान्य आंदोलन आरंभ करने प्रस्ताव ग्रहण कर मद्रास, मुंबई, लाहौर आउ लखनऊ। आईनमान्य आंदोलन आरंभ करने प्रस्ताव केवे गृहीत होता कौठार मद्रास, मुंबई, लाहौर आउ लखनऊ। लाहौर अधिवेशन है मन रखा गांधीजी साबरमती ठारू केबे दांडी यात्रा आरंभ करते दांडी यात्रा लवण सत्याग्रह प्रथम आरंभ होता दांडी यात्रा दांडी नामक स्थान को साबरमती आश्रम बाहर की दांडी उपकूल को यात्रा करते सेटा को आम व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहुए इंग्राजी में व्हाइट फ्लोइंग रिवर ये कहुए समस्ते खादी वस्त्र पिंधिकी धला रंगर खादी वस्त्र पिंधिकी धाड़ी करी जाऊ चली चलिकी साबरमती टू दांडी पर्यंत से मानकर एते लंबा लाइन थिला जे जो दूर देखे गोटे धला रंगर गोटे नदी बहीगला भाया देखा जाता से इंग्राजी में व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहुए जोटा कि हिस्ट्री में लिखाई अच्छे तो गांधीजी साबरमती ठारू केबे दांडी यात्रा आरंभ करते 1930 जनवरी 39, 1930 मार्च 12, 1930 अप्रैल 6, 1930 अप्रैल 6 ये दुटा जाक आम डबल हो जाए आंसर कौन हम मार्च 12 ऑप्शन ख हम यार ठीक उत्तर केबे गांधीजी लवण आईन भंग करने उद्देश्य दांडी समुद्र उपकूल में मुठाए बाली उठाई थे 12 तारीख में बाहरी थे लवण आईन भंग के मानने मुठाए बाली उठेगी गांधीजी से लवण आईन को भंग करते आईन मान आंदोलन मूल तर कार्यक्रम भी से इंग्रेज सरकार जी नियम अच्छे आम कौन नियम मानवू ना तो यहाँ कौ डेट थी मार्च 12 जा पहुँची केवे कर अप्रैल 6 तारीख में सी मुठाए बाली उठेगी लवण आईन को भंग करते केबे आईनमान्य आंदोलन कार्यक्रम घोषणा करा जाए थिला 1930 जनवरी 26, 1930 मार्च 12, 1930 अप्रैल 6, 1930 अप्रैल 9 रे आईनमान्य आंदोलन कार्यक्रम घोषणा केबे हेथिला 1930 अप्रैल 9 तारीख जीवा अभी 14 नंबर क्वेश्चन को
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜନତା କେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଆମରି ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ କାଠ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଧରିକି ଆସୁଛେ ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ କୁଟା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକି ଆଣିପାରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜନତା କେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମନେ ରଖିବ। ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ କାହାକୁ 1932ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ଖାନ୍, ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ। କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଡକେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ 1930, 1931, 1932 ଏବଂ 1933। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି? ଆମର ଭାରତରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଏଇଠି ସାମିଲ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାକଚ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, କେବଳ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି, ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ବି ଯାଇକି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ କେବେ ଡାକିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେଇ 1930, 31, 32, 33 କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଡକେଇଥିଲେ? 1930 ମସିହା, ଅପସନ୍ କ ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିଲା, ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ତାକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦବାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଜଣକୁ ଯଦି ବନ୍ଦୀ କଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ବାହାରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ ପୂର୍ବକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ଗୋଟେ ମଝିର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯଦି ବସା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବେନି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କାରାଗାରରେ ରଖିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆସିବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ସେଇଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ନେତାମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1931 ଜାନୁଆରୀ, 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1931 ଏପ୍ରିଲ, 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 1931 ଜାନୁଆରୀରେ, ବୁଝୁଛି? ହଁ, 1931 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେମ୍ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ନ ବସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଯଦି ଡକା ହେବ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିବାର ଅଛି, ତ ସେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସେଇ ଚୁକ୍ତିଟାକୁ ଆମ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଚୁକ୍ତିରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା 1930 ଏପ୍ରିଲ୍ 6, 1930 ଏପ୍ରିଲ୍ 9, 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୁଇନ୍ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ, ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିଂଟନ୍, ୱିଲିଂଗନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱିଲିଂଟନ୍, ଓକେ, ୱିଲିଂଟନ୍। ପଞ୍ଚମ ଜଜ୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଆଉ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
किए गांधीजी को धमक दे कही सरकार को सहयोग न कले भारतीय मान मेसीन गन और बोमारे उड़ेदे। द्वितीय गोलटोल बैठक डक जा मझीर रास्ता बाहर करने कि कौन है गांधीजी को अनेक प्रकार अपमानजनक कथ कहगला भितर आहरी गोटे थी कौन जदि सरकार मैंने आईन मान्य आंदोलन करते सरकार को सहयोग करूँ तो गांधीजी को धमक दिगला जे तुम्हें जदि सरकार को सहयोग न करुछ ताहले भारतीय मान को मेसीन गन और बोमारे उड़ेदेबू बोले से किए दे धमक लॉर्ड इरविन पंचम जॉर्ज विंस्टन चर्चिल और रामसे मैकडोनाल्ड धमक दे पंचम जॉर्ज प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड दलित बा हरिजन श्रेणीर लोकों पर पृथक निर्वाचन मंडल घोषणा प्रत्याहार दाबी में गांधीजी केवे पुनार येरावाड़ा कारागार में आमरण अनशन आरंभ करते प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड दलित आ हरिजन ये जो आम कहे द्वितीय गोलटोल बैठक से बसिक गोटे मझेर रास्ता बाहर करने चाहते कि कौन कले सी आमर भारतीय मानक से माने भाग कर करदेवाई दलित एवं हरिजन श्रेणी को सेने हतियार आकार से गोटे अलग निर्वाचन मंडल या निष्पत्ति ने कि घोषणा को इंग्रेज सरकार आम गांधीजी चाहिए प्रत्याहार कर नचे आम आमरण अनशन मु करी बोली कहीकि पुनार येरावाड़ा से कारागारे थे से येरावाड़ा कारागारे से आमरण अनशन आरंभ करदे उद्देश्य लक्ष्य था कौन यो हरिजन श्रेणी बोली बा दलित श्रेणी बोली अलग प्रकार कहीं पृथक निर्वाचन मंडल करूँ आम तो एक आम निर्वाचन एका भाया हम गोटे निर्वाचन ही हम कि इंग्रेज सरकार कौन करते पूर्व भारतीय मानक भाग भाग करदे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन करमी भाग भाग करदे मुसलमान माना अलग निर्वाचन मंडल हिंदू माना अलग निर्वाचन मंडल एमती सब या कि गांधीजी चाहते आम सब जेहेतु गोटे देशर लोक आम जयता गोटे आम भारतीय तो आम गोटे ही निर्वाचन मंडल रखा जा लक्ष्य रखिक से कौन कले येरावाड़ा कारागारे जिते पुनारे से आमरण अनशन आरंभ करते के 1932 सेप्टेम्बर 20 1932 नवेम्बर 17 1932 डिसेम्बर 24 और 1935 अगस्त 9 1932 सेप्टेम्बर 20 तृतीय गोलटोल बैठक केव आरंभ होता 1931 डिसेम्बर 28 1932 सेप्टेम्बर 20 1932 नवेम्बर 17 1932 डिसेम्बर 24 1932 नवेम्बर 17 ऑप्शन ग 23 नंबर क्वेश्चन जीवा केबे आईन मान्य आंदोलन औपचारिक भाव प्रत्याहृत होता आईन मान्य आंदोलन को प्रत्याहार करा जाए थिला केबे 1932 33 34 एवं 35 1934 मसीहा केउठारे 1930 मार्च 16 रे उत्कल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन करबा पे निष्पत्ति नैथिले कटक पुरी बालेश्वर एवं भद्रक भारत रे जो आईन मान्य आंदोलन आरंभ होता ताठार ओडिशा बाद जा ना से 1930 मार्च 16 तारीख में उत्कल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन करने निष्पत्ति नहीं बालेश्वर रे ठीक अच्छे उत्कल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी क्या ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं सरी उत्कल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन हो सारी आम असहयोग आंदोलन समय गोपबंधु दास अध्यक्षतार तो सी कौन करते आईन मान आंदोलन नेतृत्व देते क्या आचार्य हरिहर दास गोपबंधु चौधरी विश्वनाथ दास और पंडित नीलकंठ दास किए थे गोपबंधु चौधरी गोपबंधु चौधरी देख गोपबंधु दास करनी ऑप्शन रे जदि दे थो गोपबंधु चौधरी और गोपबंधु दास तो गोपबंधु चौधरी को टिक कर केबे ओडिशा रे लवण आईन भंग करने 21 जन सत्याग्रही इंचुड़ी अभिमुखी कटक स्वराज आश्रम पदयात्रा आरंभ करते जमी दांडी यात्रा होता सेमती यहाँ ओडिशार दांडी थी इंचुड़ी इंचुड़ी प्रथम लवण आईन भंग होता 21 जन सत्याग्रही इंचुड़ी ये यात्रा करी 1930 मार्च 16 1930 एप्रिल 6 1930 एप्रिल 8 1930 एप्रिल 12 1930 एप्रिल 6 तारीख केबे इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग होता
1930 ଏପ୍ରିଲ 8, 1930 ଏପ୍ରିଲ 12, 1930 ଏପ୍ରିଲ 13, 1930 ଏପ୍ରିଲ 20। ଏପ୍ରିଲ 13 ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ରମାଦେବୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। କେଉଁଠାରେ ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ମାଥା, ଇରମ, ଚୂଡ଼ାମଣି ଏବଂ ଜମକୁଣ୍ଡା। ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରି କରି ଚାଲିବ ବହିରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଏ ତିନି ଜଣ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ମାର୍ଥାଠାରେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯିବା କୁଜଙ୍କ ଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ? ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ରମା ଦେବୀ। କିଏ ନଥିଲେ ପଚାରିଛି? ଦେଖ କୁଜଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁଳଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁଜଙ୍ଗ। କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ ସାରଳା ଦେବୀ ନଥିଲେ ସରଳା ଦେବୀ ସାରଳା ଦେବୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆଜି ପୁରୀରେ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଗଞ୍ଜାମରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରଳା ଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗଠାରେ ଚୌକିଦାରି କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଚୌକିଦାରି କର ଇଏ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୌକିଦାରି କର ବିରୋଧରେ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚୌକିଦାରି କ'ଣ କର କ'ଣ ଥିଲା? ଆମରି ଗାଁକୁ ଇଂରେଜ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ଜଗିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ଜଗିବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ଦିଆଯିବ ସେଇ ଦରମା ଆମଠାରୁ ହିଁ ନିଆଯିବ, ଯାହାର କି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ସେଇ ଚୌକିଦାରୀ କରକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1930 ଏପ୍ରିଲ, 1931 ମେ, 1931 ଡିସେମ୍ବର। 1931 ମେ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଠାରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୌକିଦାରୀ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, କୁଜଙ୍ଗ, ଇରମ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥ ଚୌକିଦାରୀ କର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ କୁଜଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ନାଁ, ଟିକେ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରର। କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା, ଶେଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1931, 1933, 1934 ଏବଂ 1935। 1934 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା, କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।